नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक न्यूज डायरी में। तो डिस्कस करते हैं आजकल के शेयर जो कि ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा बाइंग लेवल से ऊपर ही बाय कीजिएगा। डीएलएफ मैंने कल भी कहा था 308 पे बाय कीजिएगा, 312 320 के टारगेट्स होंगे, 300 का स्टॉप लॉस होगा, तो बाइंग लेवल होगा 308 रुपीज। तो सुनिए अंत तक सुनिएगा, कई शेयर्स में ऐसे बोलते बोलते भी बता देता हूँ इसी के वीडियो के दौरान, आप प्लीज स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि वीडियो बनाने में मजा भी आए, मुझे भी लगे कि लोगों को पसंद आ रही है। दूसरा है होगा क्रीव्स कॉटन 157 का टारगेट, दूसरा 160, 155, 156 पे बाइंग लेवल होगा। 156 के जाए 158 भी आप कर सकते हैं टारगेट, दो टारगेट्स होंगे 157 फिर 158 और तीसरा होगा 160 रुपए। तो ये दो शेयर हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अब ये दोनों शेयर्स काफी अच्छे शेयर्स हैं, ग्रीव्स कॉटन और दोनों के दोनों डीएलएफ भी। अगला होगा जेपीएस का शेयर, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड शेयर है। 13 रुपए स्टॉप लॉस, 16 रुपए 20 रुपए का टारगेट, इनिशियली 16 रुपए का, 15 रुपए 30 पैसे पे आप बाइंग कर सकते हैं इसको। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, पहले बता रहा हूँ, किसी भी तरफ जा सकता है। अगला होगा डीजी कंटेंट, इसको आप सेल कीजिएगा 14 रुपए 80 पैसे पे, स्टॉप लॉस होगा 16 रुपए और 12 रुपए का पहला टारगेट, 10 रुपए का दूसरा टारगेट। इसको रोज डेली सेल कर सकते हैं, काफी खराब रिजल्ट आए हैं शेयर के, इस वजह से इसको सेल करने के लिए मैं कह रहा हूं आपको। अगला शेयर होगा वो स्कैन स्टील, 31.5 का पहला टारगेट, 35 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 28 का और बाइंग लेवल 30 से ऊपर का ही, 30 से नीचे मत बाय कीजिएगा। ये ध्यान रखिए कि बाइंग लेवल जो बता रहा हूँ उससे नीचे बाय मत कीजिएगा, वरना पीछे की तरफ जा सकता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। अगला है अग्रवाल इंडस्ट्रीज, 267 का पहला, 275 का दूसरा टारगेट, बाइंग लेवल 263 या 263 से थोड़ा ऊपर, 265 भी मिले, 266 भी मिले, 67 भी मिले तो खरीद लीजिए, 260 का स्टॉप लॉस बनाकर रखिएगा। इसे भी लॉन्ग टर्म में 350 रुपए तक के टारगेट है। डीएलएफ बना रख सकते हैं आप, कॉटन ग्रीव्स रख सकते हैं और अग्रवाल इंडस्ट्रीज को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रख सकते हैं। तीनों शेयर्स में लॉन्ग टर्म में अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। अगला होगा एनआईएल का 210 और 215 का टारगेट, बाइंग लेवल 207 203, फिर बता रहा हूँ बाइंग लेवल से नीचे मत खरीदेगा। भारतीय एयरटेल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कल के दिन पे आप, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दबाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।